रब्बे जुल जलाल ने वो कुछ दिया कि क्यामत तक की टेक्नोलॉजी करोड़ों छलांगे लगा ले, फिर भी वहां भी नहीं पहुंच सकती जहां ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक उड़ रही है। इतना इल्म दिया हर लिहाज। अब आज के लोगों की जरूरतें क्या है? तुम ये कहते हो यूरोप और वेस्ट के गुमाश, तो तुम देखो तो सही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर अमेरिका में रिसर्च के बाद रिसर्च करने वाले ने कलमा पढ़ लिया, वो हदीस इस अशरफुल मखलूकात के दिल के बारे में नहीं थी बल्कि वो तो मक्खी के पर के बारे में थी। तो जिनकी गुफ्तगू मक्खी के पर के बारे में इतनी मेयारी हो, उनकी गुफ्तगू इंसान के दिल के बारे में कितनी मेयारी होगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, इज़ा वका ज़ुबाब फी ताम अहदिकुम, जब तुम में से किसी के खाने में मक्खी जा पड़े, बशर्ते कि खाना गर्म ना हो, गर्म में तो वैसे भूनी जाएगी, खाना गर्म नहीं था मक्खी जा पड़ी है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है? खाना वो खाना, ये तो आगे मर्जी है कोई खाए या ना खाए, लेकिन तिब्बी तौर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मक्खी को डबो के तो फिर बाहर निकाल दो। क्यों डबो के निकालो? अकल तो कहती है कि ये गंदी चीज है, इसे फौरन निकालो, और सरकार फरमा रहे हैं कि डबल काम करो कि उसे पूरा डबो के बाहर निकालो। क्यों? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइन्ना फी इहदा जनाहैहि दाअन वफी उखरा दवाअन व इन्नहु लयुक़द्दिमु दाअ अला दवा, उसके एक पर में बीमारी के जरासीम है और दूसरे में उसी बीमारी को शिफा देने वाले, उसको खत्म करने वाले जरासीम है, और वो जब डबोती है तो बीमारी वाला डबोती है, तो उसने तो गिरते ही अपना काम कर लिया है, बीमारी वाला पर डुबो लिया है। तो मेरे गुलामों, तुम दूसरा भी डुबो दो ताकि उसकी जो मेहनत थी कि वो बीमारी तुम्हारे पास लाना चाहती थी, शिफा उसने छुपाई हुई थी, तो शिफा वाला पर डुबोगे तो तुम्हारा खाना तिब्बी तौर पर सेहतमंद हो जाएगा। अब इस हदीस में पहले तो ये सोचने की जरूरत है कि आज जिस वक्त हम ये तकरीरें करते हैं जिससे पूरे इस्लाम का हम दिफा करते हैं, दूसरों की तो बात आपने देख ली कि उनका नारा ही एक है यहूदो नसारा का और उनका, कि नबी को कल की खबर नहीं थी, कल का पता नहीं था, दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, लिहाजा दीन काफी नहीं है। अब हमारे लिहाज से नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलूम पर जब हम गुफ्तगू करते हैं, दूसरे कहते हैं उनके इल्म बड़े थे, नमाज का था, रोजे का था, हज का था, जकात का था, पड़ोसी की हुकूक का था, ये सारे नबूवत के लिए जरूरी उलूम है। गैब जानना तो इसका तो नबूवत का कोई शोभा ही नहीं है कि नबी गैब भी जाने, नबी चप्पा चप्पा जाने, नबी जर्रा जर्रा जाने, नबी हर शय को जाने, ये नबूवत के लिए कब जरूरी है? तो मैं कहता हूं जरा ये मक्खी वाली जो हदीस है, ये क्या नमाज के फराइज से इसका ताल्लुक है, या जकात के निसाब से इसका ताल्लुक है, या हज का कोई फरीजा है? तो सरकार ने क्या फजूल कहा था? नहीं, ये भी आपकी नबूवत के उन हजार हा इरशादात में से एक है कि जिससे आपने क्यामत तक के लिए अपने दीन की दलीलें अता फरमाई है। अब आपने जो फरमाया, अमरीकी डॉक्टर है, उसने पे दर पे रिसर्च के बाद, यानी जाहिर है चला तो ये था कि मैं गलती निकालूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माज़ अल्लाह,
कि वो छोटी सी मक्खी के छोटे से पर के बारे में क्या कह गए, लेकिन जू जू आगे बढ़ा, रास्ते खुलते गए, बिलाखिर उसने अपना रिजल्ट लिखा कलमा पढ़ते हुए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने कितना इल्म दिया था कि आज साइंस की इतनी तरक्की के बाद इतनी टेक्नोलॉजी आई, इतने अज से खुर्दबीन दूरबीन और क्या क्या लेबोरेटरियों में हमने रख के फिर हमें पता चला कि मक्खी के पर के अंदर बीमारी के जरासीम है एक में, और दूसरे पर में उसी बीमारी को खत्म करने का इलाज भी है। तो कहता है कि मैं हैरान हो गया हूं कि जिस आंख के सामने मक्खी के पर के ये चीजें छुप नहीं सकी, उस आंख से बंदे का दिल कैसे छुप सकता है। और कहता मैं हैरान हूं कि वो मक्खी की आदत जो बता गए वही साबित हुई कि पहले वो बीमारी वाला ही डुबोती है और शिफा वाला दूर रखती है। अब अल्लाह के नबी जो मक्खी की आदत जाने, वो पंजाबी सिंधी बलोची पठान की क्यों ना जाने, वो पहली सदी के इंसान की जाने तो आज के इंसान की क्यों ना जाने। तो रब्बे जुल जलाल ने इतना इल्म दिया कि कभी भी इनके जुमले का एक हर्फ भी खिलाफे वाकया ना हो, जो भी पढ़े जितना भी जोर लगा ले बिल आखिर कलमा पड़ जाए, अगर जिद्दी और हठ धर्म ना हो